फिल्म मेकर करण जौहर 45 साल के हो चुके हैं। 25 मई 1972 को मुंबई में जन्मे करण ने 1998 में आई फिल्म कुछ कुछ होता है से डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा। हालिया रिलीज फिल्म बाहुबली 2 के हिंदी वर्जन के राइट्स खरीदे। फिल्म की अच्छी कमाई से करण को भी इसमें काफी प्रॉफिट हुआ है। नेटवर्थ और द रिचेस्ट के मुताबिक उनके पास करीब 1280 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, जिसमें से करीब 480 करोड़ रुपए का उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आंकड़ों के मुताबिक फिल्म मेकिंग से पिछले कुछ सालों में करण की संपत्ति में करीब 80% का इजाफा हुआ है। इसके अलावा वो विज्ञापन और टीवी शो से भी अच्छी कमाई करते हैं। इस पैकेज में हम बता रहे हैं करण जौहर की प्रॉपर्टी के बारे में। बतौर प्रोड्यूसर छाए करण 2004 में अपने पिता यश जौहर के निधन के बाद करण ने धर्मा प्रोडक्शन की कमान अपने हाथों में संभाली। बतौर प्रोड्यूसर उनकी कई फिल्में दर्शकों के सामने आ चुकी हैं, जिनमें कल हो ना हो, दोस्ताना, आई हेट लव स्टोरी, अग्निपथ, ये जवानी है, दीवानी का नाम खास तौर पर शामिल है। एक्टिंग में भी आज माया हाथ। करण ने डायरेक्शन और प्रोडक्शन की दुनिया में ही बल्कि एक्टिंग की दुनिया में भी अपना जौहर दिखाया। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ओम शांति ओम, फैशन लक, बाय चांस और हाल ही में आई बॉम्बे वेलवेट जैसी कुछ फिल्मों में करण एक्टिंग करते नजर आए।